जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक फॉर चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से किसी भी फोल्डर और फाइल को आसानी से लॉक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, यानी कि उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं, जिससे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं उस फोल्डर को प्रोटेक्ट करूंगा पासवर्ड से। तो मैंने यहां एक फोल्डर बना लिया जिसका नाम मैंने टेस्ट रख लिया है। तो देखिए दोस्तों, ये फिलहाल पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, ये सिंपली ओपन हो रहा है फोल्डर। तो इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाने के लिए आपको यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल मेरे पास ये इस सॉफ्टवेयर का सेटअप है, तो मैं इसे इंस्टॉल करने के लिए रन करता हूं। अब मुझे यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है और सिंपली आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिलहाल मैं उस सेटअप को डिलीट करके इसके शॉर्टकट जो मैंने इंस्टॉल किया है सॉफ्टवेयर का, उसको यहाँ रख देता हूँ। और इसे ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, यह है एक मास्टर पासवर्ड मांग रहा है, ऊपर बोल रहा है क्रिएट मास्टर पासवर्ड। आपको यहाँ वह पासवर्ड डालना है जिसे आप यूज़ करेंगे फोल्डर में। मास्टर पासवर्ड से अलग भी आप उस फोल्डर के लिए अलग पासवर्ड दे सकते हैं। आपको यहाँ मास्टर पासवर्ड डालना है, नीचे कन्फर्म करना है पासवर्ड, और दूसरा आपको ईमेल डालना है। नीचे लिखा भी हुआ है वार्निंग, ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड इफ यू फॉरगेट योर मास्टर पासवर्ड। लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस तब आपके लिए रिक्वायर्ड होगा जब आप मास्टर पासवर्ड भूल जाएंगे, तो ये हेल्प करेगा आपके फोल्डर को अनलॉक करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ मास्टर पासवर्ड डालना होगा। आप यहाँ कोई भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी आपका। मैं फिलहाल आपको बस दिखा रहा हूँ डेमो, तो मैं यहाँ ऐसे ही कोई भी ईमेल एड्रेस बना के डाल देता हूँ। सिंपली मुझे यहाँ ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों, ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है ऐड का, और ये है इनेबल्ड ऑन का। इन दो ऑप्शन का काम यहाँ पर ये है कि ऐड वाले से तो हम किसी फोल्डर को ओपन करेंगे जिस फोल्डर को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसको। इनेबल से यह है कि यह सॉफ्टवेयर हमारा अभी इनेबल्ड है, यह अभी हमारा काम करेगा। तो देख लीजिए क्या कि ऊपर ग्रीन डॉट और ऑन लिखा होना चाहिए। यह फिलहाल आपके लेफ्ट साइड में होम और सेटिंग के दो ऑप्शन दिए हुए हैं। होम और सेटिंग से हमें फिलहाल काम पड़ेगा, टूल बॉक्स से हमें कोई काम नहीं है। होम वाला स्क्रीन तो आपकी ऑलरेडी खुली हुई है, सेटिंग वाली स्क्रीन को मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। सेटिंग वाली में आपको दिख रहा है कि यहाँ जो आपका मास्टर पासवर्ड है, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक चेंज पासवर्ड का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है। आप चाहें तो यहाँ से अपना मास्टर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ यूज़र इंटरफेस का, अगर आप चाहें तो इंग्लिश के अलावा भी कोई लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तीसरा यहाँ जो ऑप्शन है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह है प्रोटेक्शन मेथड। आप चाहें तो यहाँ प्रोटेक्शन मेथड भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हाइड एंड लॉक या डिफ़ॉल्ट है, तो आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे अनप्रोटेक्टेड, हाइड लॉक, रीड ओनली, हाइड एंड लॉक एंड पासवर्ड के। आप जो चाहें वह यहाँ सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल होम पर ही आ जाता हूँ। अभी मैं एक फोल्डर जो मैंने बनाया था टेस्टिंग के लिए, वह यहाँ ऐड कर दूंगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद मुझे उस लोकेशन पर जाना, जिस लोकेशन पर मुझे वह फोल्डर लॉक करना है। तो मैंने डेस्कटॉप पे वह फोल्डर बनाया हुआ, तो मैं उसको ओपन कर लूँगा। ओपन के बाद यहाँ देखिए, उसके सामने प्रोटेक्टेड मेथड पर हाइड एंड लॉक लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ और यहाँ एक चेक के लिए बॉक्स बना हुआ है, और नीचे सेलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। होम स्क्रीन पर हमारे तीन ही ऑप्शन काम के हैं। तो नीचे जो ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, अगर आपने एक से ज़्यादा फोल्डर यहाँ चूज़ किए हुए हैं तो आप सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके एक साथ उनको प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। एक साथ उन पर प्रोटेक्शन मेथड जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वह यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ से सारे फोल्डर्स को रिमूव भी कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन चूज़ करके। तो फिलहाल मेरे पास एक ही फोल्डर है, तो मैं सीधे आपको ऊपर से ही वह ऑप्शन चूज करके दिखा देता हूँ। तो फिलहाल ये डिफ़ॉल्ट हाइड एंड लॉक वाला ऑप्शन सिलेक्ट है। अगर आप हाइड पर क्लिक करेंगे तो वह फोल्डर वहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर आप पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ऑप्शन पूछेगा पासवर्ड के लिए। अगर आप अनप्रोटेक्टेड पर क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड से अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल मैं आपको ये फोल्डर लॉक करके दिखाता हूँ, इसलिए मैं प्रोटेक्शन मेथड पर पासवर्ड पर क्लिक करूँगा।
यहाँ पूछता है डिफॉल्ट पासवर्ड यूज द मास्टर पासवर्ड, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है कस्टम पासवर्ड की सेंसर्ड। पहला जो ऑप्शन है डिफॉल्ट पासवर्ड से मतलब यह है कि जो आपका पुराना जो मास्टर पासवर्ड है वह आप इस फोल्डर में भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो अलग पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं जो केस सेंसिटिव होगा। मतलब यहाँ अपर केस और लोअर केस दोनों अलग अलग कैरेक्टर माने जाएंगे। तो मैं यहाँ कस्टम पासवर्ड यूज कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया 123 1234। आप यहाँ पर पासवर्ड का हिंट डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। आप ओके पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ ऊपर ग्रीन, ऊपर आपको दिखाई देगा ग्रीन बैकग्राउंड में एक बॉर्डर सा आया हुआ है, इस पर लिखा हुआ वन आइटम्स प्रोटेक्टेड, मतलब आपका एक आइटम प्रोटेक्ट हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ उस फोल्डर को ओपन करके। नीचे से भी आप सिलेक्ट ऑल और पासवर्ड पर क्लिक करके भी इस काम को कर सकते थे। तो अभी मैं इसको क्लोज करके उस फोल्डर को यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे ही मैंने उस फोल्डर को ओपन करना चाहा तो ये सीधे मेरे सामने एक नया विंडो खुल गया जो कह रहा है कि अगर आपको ये फोल्डर ओपन करना है तो आपको पासवर्ड डालना ही होगा। देखिए दोस्तों मैं यहाँ इनवैलिड पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ आपको। तो ये शो कर रहा है कि इनवैलिड पासवर्ड, पासवर्ड हिंट भी दे रहा है नंबर। जब मैंने यहाँ सही पासवर्ड डाला तो तुरंत यह फोल्डर ओपन हो गया। आप जब इसे क्लोज करने जाएंगे तो ये पूछेगा आपसे क्या आप दोबारा से इस फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। मैं फिलहाल नो पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीस्टोर पासवर्ड प्रोटेक्शन। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से भी दोबारा उस फोल्डर को प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। तो देखिए दोबारा मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए फिर से वही पासवर्ड वाली विंडोज हमारे सामने ओपन हो गई है। तो अब मैं फिर से कैंसिल कर देता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब आप राइट क्लिक करके कॉपी पर क्लिक करेंगे तो कॉपी करने में भी यह पासवर्ड मांगेगा। तो यानी कि आप इस फोल्डर को आप कॉपी भी नहीं कर पाएंगे बिना पासवर्ड के, और ना ही आप इस फोल्डर को डिलीट कर पाएंगे बिना पासवर्ड के। तो अगर आपको एक फोल्डर ओपन करना है, कॉपी करना, डिलीट करना, तो आपको उस पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जिस पासवर्ड को आपने इस फोल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए डाला था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अपनी हिंदी भाषा में ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।